नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य प्रदीप सिंगला है। आज हम बात करेंगे दिवाली 2024 को, 2024 में कौन सी डेट को मनानी चाहिए। दो डेट्स में मेजरली कन्फ्यूजन यहाँ पर चल रहा है, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर। दिवाली जो है वो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है, और दिवाली क्योंकि मेन रात का त्यौहार है, दीपों का त्यौहार है। रात को वहां पर पटाखे जलाए जाते हैं, रात को वहां पर देव लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, तो इसमें रात का महत्व बहुत ज्यादा है। नॉर्मली हम लोग कोई भी तिथि को ऐसा देखते हैं कि सूर्योदय कौन सी तिथि में हुआ है, और उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए रहे तो हम उसको तिथि मानते हैं और उसको उसी अकॉर्डिंग सेलिब्रेट करते हैं। बट एक्सेप्शन इन दिवाली, क्योंकि रात का त्यौहार है तो हम इसमें रात्रि देख रहे हैं कि अमावस्या कहाँ पर रहेगी। देखिए, यहाँ पर 31 अक्टूबर को अमावस्या जो है वो 4 PM के बाद शुरू हो जाती है। चतुर्दशी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, 4 PM पे अमावस्या स्टार्ट हो जाएगी और अगले दिन 7 PM तक अमावस्या रहेगी। तो इसका मतलब अगले दिन 7 बजे के बाद हमें जो रात्रि का त्यौहार था वहां पर रात्रि हमें नहीं मिल रही है। तो ये जो त्यौहार है काशी के विद्वानों के द्वारा भी और लॉजिकली भी 31 अक्टूबर को ही मनाया जाना चाहिए। इसके लिए एक अखबार की कटिंग भी हम इस वीडियो के साथ में इंक्लूज कर रहे हैं, आप उसको पढ़िए। 31 अक्टूबर को ही दिवाली का त्यौहार मनाया जाना चाहिए और इसी की रात्रि को आप अपना पूरा लक्ष्मी जी का पूजन और पटाखे जलाना और सेलिब्रेशन करना आप करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।